हेलो, हेलो। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है? हाँ नमस्कार भाई साहब, कितना है सर? हाँ बस बढ़िया सर। माफी चाहेंगे, बार बार आपको तकलीफ देते हैं। अच्छा नहीं नहीं सर। हाँ भाई साहब, मैं ये कह रहा था कि उससे ना छालों का प्रेशर तो कम है, लेकिन जी वो बार बार ना बहुत ज्यादा वो एग्रीवेट हो जाते हैं, और अब उसकी जो टंग है ना पूरी व्हाइट हो गई है, और बहुत ज्यादा स्पिट उसको बहुत निकलता है। क्या दिक्कत हो रही है? उसका बहुत ज्यादा स्पिट उसको बहुत ज्यादा निकलता है, जैसे कप जमा होता है ना पीछे से, उसको कप की प्रॉब्लम भी रही है, उससे कप भी जमा रहता है, तो सर भी देखो, उसको ना। अगर अगर खाना शुरू हो गया तो खाना शुरू करके थोड़ा सा पानी पीने के बाद डिहाइड्रेट करना चाहिए और वॉक एंड रेस्ट बहुत ज्यादा करना चाहिए। मतलब सारे काम छोड़कर 2 से 3 दिन फोकस करना चाहिए। कफ निकलता है, जितना निकल जाएगा उतना अच्छा है। 10 दिन 15 दिन जितना भी निकलता है ना, हर 1 घंटे बाद जाके निकालते रहो, वो सारा शरीर से कफ निकल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो खाना मतलब भाई साहब खाना उसे शुरू कर दिया, वो डिहाइड्रेट कर रहा, मतलब पानी नहीं पीता, वो डिहाइड्रेट भी नहीं कर रहा है। नहीं नहीं डिहाइड्रेट ज्यादा नहीं करना होता। पहले अगर डिहाइड्रेशन, तो उसने बोला था 4-5 दिन से पानी नहीं पी रहा, तो सबसे नहीं पहले तो खाना भी खाना और मतलब पानी भी पीना है। बेटे से बात करके थोड़ा उसको। हेलो हेलो। जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा मैं ये कह रहा था कि हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन दोनों का अपना रोल होता है, दोनों जरूरी होते हैं। तो अगर आपने उस समय कहा था कि 5 दिन से पानी नहीं पी पा रहे हो ना खा पा रहे हो, तो इसका मतलब है डिहाइड्रेशन भी आपका हो चुका है। तो आपको सबसे पहले, जैसे ही आप थोड़ा बहुत खाने पीने के लायक होते हो, तो खाना भी ठीक से खाओ और पानी भी पियो 24 घंटे तक। तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आपका खाना और पानी दोनों बढ़े और काफी ज्यादा बढ़ जाए। उसके बाद अगले दिन बिल्कुल जीरो कर दो पानी और खाना खाते रहो, उसके बाद वो तेजी से ठीक होगा। अच्छा, पहले नहीं, खाना तो मैं बिना पानी के खा ही नहीं पा रहा ना, और मैंने थोड़ा ग्लूकोन डी लेना शुरू कर दिया, और खाना एक एक ग्राही के साथ एक एक दो दो घूंट पानी पीना पड़ता है मुझे। एक घूंट नहीं पियो, थोड़ा सा कम पियो, क्योंकि अगर एक ग्राही के साथ ले रहे हो तो थोड़ा सा कम करो। खाने के साथ पानी लेने में कोई हर्जा नहीं है, पर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एक खाने के साथ में 1 गिलास से ज्यादा मत लो। 1 गिलास से ज्यादा लोगे तो वीकनेस बढ़ जाएगी। हाँ, नहीं 1 गिलास से ज्यादा नहीं दे रहा। अब आपका अगर 1 गिलास पानी हो रहा है तो उसके अलावा भी ज्यादा पानी लो, क्योंकि आपके शरीर में, अगर आप सही बोल रहे हो कि 5 दिन से आपने उस समय पानी नहीं पिया था, 2-3 दिन पहले जब बात करी, तो शरीर में पानी की 5 दिन में बहुत कमी हो जाती है। हाँ हाँ पूरी मरने वाली हालत हो गई थी, फिर मुझे पानी पीना ही पड़ा। आप क्या है, मुंह के सारे छाले ठीक हो चुके हैं, जो आपने कहा ना सारे छाले ठीक हो गए हैं, सिर्फ वो गले का जो बहुत बड़ा वाला मेरे को डाउट है ना, वो ठीक नहीं हो रहा, बस हो वो जाएगा, वापस वो भी हो जाएगा। आपको कफ निकल रहा है ना? कफ तो हमेशा से ही निकलता है। नहीं, वो उसको दवाई मत लो, कफ को पूरे अच्छे से निकलने दो। आप क्या करो कि आज कितना पानी पी सकते हो आप? आज मैंने कितना पिया है? कितना पिया और कितना भी पी सकते हो? और आज नहीं, मैंने पहले ये बताओ कल कितना पिया था? कल लगा लो 750 ml पिया हो। ओके, तो आज 2.5-3 लीटर, 3 लीटर तक खींच लो, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। ठीक है, ले लेता हूँ। अच्छा, और कल जीरो कर दो, खाना पूरा रखो और पानी जीरो कर दो, और वॉक एंड रेस्ट कम से कम अगले 24-48 घंटे के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। और वॉक में ये गलती नहीं करनी है कि आप 5 मिनट से ज्यादा चलो, ठीक है? बड़ी ठीक है। पेशेंटली अलार्म लगा खाना के तो, खाना तो बिना पानी के हो ही नहीं सकता ना। तो मैं तो कह नहीं रहा कि बिना पानी के खाना खाओ, मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ। आपने 3 लीटर पानी पीना है, उसमें खाने के साथ जो पानी पीना है वो तो पीना ही है। मान लो आप खाने के साथ 750 ml पीते हो, तो 750 वो और 2250 और पानी। अच्छा, और वो इक्वली स्प्रेड करना है बराबर, 1-1 घंटे के बाद 1-1 गिलास करके। आज मैं 3 लीटर पानी पूरा कर लूँ। हाँ, और कल जीरो कर लो पानी। अच्छा, कल कह रहे हो आप खाने के बिना नहीं पी पाते, तो ठीक है, खाने के बिना नहीं पीना। आप पहली बात तो आज 3 लीटर पियोगे, तो हो सकता है आप कल बिना खाना मतलब पिए भी कर सको, और ना कर सको तो आधा गिलास ले लेना। कल खाना ही नहीं खाता ना, फिर ऐसा करता हूँ। हाँ, ये भी कर सकते हो खाना, क्योंकि खाने में भी पानी होता है। तो अगर कम कर रहे ना, तो वॉक एंड रेस्ट पूरे दिन करते रहो, क्योंकि अगर आप वॉक एंड रेस्ट नहीं करोगे तो आपको सर दर्द शुरू हो जाएगा। अगर आपने वॉक एंड रेस्ट सारे दिन करते रहो, तो आपको ना खाने का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। और आज थोड़ा सा फालतू खाने की कोशिश करो 3 लीटर के साथ, तो आपका कल कल में पूरा दिन में ठीक हो जाए। पूरा दिन आप 1 सेकंड के लिए भी कहीं भी ध्यान नहीं जाए, और कल इस झंझट को खत्म कर दो। मतलब कल कोशिश करो कि कल पूरा, आज अच्छे से रात को सो लो, और कल हो सके तो मतलब 16 घंटे से ज्यादा 24 घंटे तक लगातार वॉक एंड रेस्ट कर लो। मतलब बीच बीच में एक एक घंटे की नींद ले लो, 1-1-2-2 घंटे की, पर अदरवाइज पूरा पूरा दिन लगा के इसमें कर दो, एक ही दिन के अंदर खत्म हो जाएगा।
ठीक है, अब यही करता हूँ फिर, मैं आपको अपडेट करता हूँ एक बार। ठीक है, और ये चाहे जो मर्जी हो, बार बार ये मत सोचो कि ये है वो है, आप 24 घंटे में इसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि दिमाग में रहेगा तो आप शांति भी नहीं मिलेगी आपको। तो अगर आपका ये खत्म हो गया एक ही झटके में, एक ही दिन में, तो आप पूरा आपका ध्यान दूसरी तरफ लगेगा, फिर आप दूसरी तरफ ध्यान दे पाओगे। मैं बार बार इसलिए सोचता हूँ क्योंकि कैंसर की एक बात है, ये रिकवर नहीं होता ये वाला छाला, तो मेरे मन में पता दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रिकवर ना होता हो। और अगर आपको डर है भी तो मैं कह रहा हूँ 24 घंटे में ही पता चल जाएगा ना आपको, 24 घंटे जो भी है ठीक ही हो जाएगा। ये इसलिए चाह रहा हूँ चाहे फर्स्ट स्टेज पे, तो फर्स्ट स्टेज पे ही पता लग जाए। आप पहले बात तो ये सोचो मत फर्स्ट और सेकंड स्टेज, मैं कह रहा हूँ कि जो भी होगा, अगर कैंसर भी होगा तो परसों तक ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, ये इसी प्रोसेस से ही? हाँ, मतलब इसी प्रोसेस से। आप कोई चिंता मत करो, ये मत सोचो कि कैंसर इसके बिना ठीक नहीं होता, सर्जरी वर्जरी के बिना। ऐसा कोई कैंसर नहीं है जो सर्जरी से पूरी तरह ठीक होता है, उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो, ये काटना पड़ता है ना सर। काटने के अलावा और बड़े झंझट होते हैं, आप उस डायरेक्शन में सोचो मत, इसको गैस ही गायब कर देंगे। आपका 50% तो 2 दिन में गायब हो जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी, उसके 2-3 दिन और मेहनत करो, हफ्ते के पहले पूरा जीरो कर देते हैं। चाहे कोई भी चीज हो, चाहे कैंसर हो, नॉन कैंसर हो, कुछ भी हो, खत्म करो इसको, क्यों बेकार में टेंशन लेते हो। आप यंग आदमी हो, आप टाइम भी निकाल सकते हो, बाकी काम छोड़ दो, 2-3 दिन 4 दिन तक कुछ और मत सोचो, बस यही सोचो कि इससे छुटकारा पाना है। हाँ, मैं बस कर ही यही रहूँ, क्योंकि जो मेरा काम हो लॉकडाउन के चक्कर में वैसे ही बंद है। हाँ, बस इसको करो, खत्म करो, फिर उसके बाद आप फ्री हो गए, सारा काम करो जो मर्जी करो। ठीक है, कोई नहीं, जो आप कह रहे हो मैं वैसे उसी हिसाब से चलता हूँ। ठीक है, आज भी कल भी, फिर मैं बताता हूँ एक बार। ठीक है।